हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम इंटर में बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने पहले पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस या अंड जनन। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंड जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज ओजेनेसिस? मादा के अंडाशय के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इस अंड जनन की क्रिया को तीन स्टेजों में बांट रखा है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, या हम इसे बोलते हैं गुणन अवस्था, और दूसरी अवस्था है हमारी ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था, और तीसरी है मैचुरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। ये अंड जनन की क्रिया कैसे होती है इसको हम चित्र द्वारा समझेंगे। नंबर फर्स्ट है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में क्या होता है, जो कोशिका होती है पहले डिप्लॉइड होती है, देखेंगे इससे गुणन अवस्था में एक से दो, दो से चार, से क्या, जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान है। ये है फर्स्ट है जो प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल से उगोनियम का निर्माण होता है। उगोनियम में समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप बहुत से उगोनिया बनते हैं। इसमें से ये वाली अवस्था जो फर्स्ट है, ये है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। और दूसरा, इसमें बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं उगोनिया। उगोनिया के से प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता। प्राइमरी ओसाइट, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या समान होती है। ये जो दूसरी अवस्था आती है हमारी, इसे बोलते हैं वृद्धि अवस्था। प्राइमरी ओसाइट से भी दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी बनती है, इसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और दूसरी बनती है इससे बड़ी, अब इसे हम बोलते हैं प्राइमरी। ये फर्स्ट छोटा है, छोटे को फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो ये बना ये वाला, ये है सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के बाद फिर कोशिका बढ़ती जाएगी, इससे बड़ी होगी, एक्स कोश क्या है, तो ये बनेगा ओटिड। इससे दूसरी जो कोशिका बनेगी, ये सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, ये है सेकेंड पोलर बॉडी।
ये अवस्था आती है तीसरी, परिपक्वन अवस्था, या इसे बोलते हैं मैचुरेशन फेज। अब इसको समझेंगे हम, जो अंड जनन को क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की क्रिया तीन भागों में बैठकर की है। नंबर फर्स्ट है गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। इस अवस्था में क्या होता है इसे समझेंगे पहले। अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं से प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं, देखिए यहां देखें चित्र में, उगोनियम। उगोनियम, उगोनियम में बार बार डिवीजन होता है, इसलिए हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणन अवस्था, बार बार डिवीजन होता है, कैसा डिवीजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप असंख्य ओगोनिया का निर्माण होता है, उगोनियम। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फेस, प्राइमरी जर्म सेल से उगोनिया का निर्माण मल्टीप्लिकेशन फेस कहलाता है। अब फिर दूसरी अवस्था आती है, ये ओगोनिया होते हैं, जैसे जो बच्चे पैदा होती है जन्म से ही एग उसके अंदर बने रहते हैं, ओवरी के अंदर। एग कब बाहर निकलेंगे, जब उसमें मेंसेस साइकिल शुरू हो जाती है। मेंसेस साइकिल शुरू हो जाती है तो ओवरी से एग बाहर निकलता है, तो देखेंगे ओगोनिया तो बने रहते हैं। फिर ओगोनियो में क्या है, एक साल दूसरी अवस्था आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ मतलब एक वृद्धि करेगा, 2x ओगोनिया क्या अपने पोषक पदार्थों को लेकर अपने आकार में वृद्धि करता है, वृद्धि करके बड़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट कौन सी अवस्था, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। इसमें कोशिका ने क्या की, ग्रोथ की। अब थर्ड जो स्टेज है परिपक्वन अवस्था या मैचुरेशन फेज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस फेज में क्या हुआ देखेंगे, प्राइमरी ओसाइट से, प्राइमरी ओसाइट से दो सेल बने हैं, एक छोटी सी सेल बनी है इसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, एक बड़ी बनी है इसे बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। फर्स्ट पोलर बॉडी से भी फिर दो सेल ऐसे बनते हैं छोटे ये, और इसमें कौन सा विभाजन हुआ, इसमें दो से कोशिकाओं की संख्या अब इसमें एक एक रहेगी, इसमें हुआ फर्स्ट मैचुरेशन फेज बोलते हैं हम इसे, फर्स्ट मैचुरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। फर्स्ट मैचुरेशन फेज में कौन सा डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन या हम मियोसिस बोलते हैं इसे, अर्धसूत्री विभाजन। देखें 2x कोशिकाएं हैं, अब एक्स एस हुए, कुल सूत्रों की संख्या आधे होगी, एक कोशिका छोटी बनी एक बनी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ी बड़ी बनी है इसी से ही एग का निर्माण होगा, इस ये क्या बना सेकेंडरी ओसाइट। अब यहां पर को भी सेकेंड मैचुरेशन, यहां पर को भी डिवीजन होता है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, ये इसमें भी दो कोशिकाएं बनी, एक सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है, देखिए सेकेंड पोलर बॉडी, ये छोटी है एकदम सेल, और दूसरी सेल बड़ी है, ये है ओटी। अब इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री, समसूत्री जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान, जितनी सेकेंडरी ओसाइड में होगी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही ओटिड में होगी। तो थर्ड स्टेज क्या है आपकी, परिपक्वन अवस्था है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिपक्वन अवस्था में क्या, प्राइमरी ओसाइड से एक तो सेकेंडरी ओसाइड बना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रही, और फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉइड हो गया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। सेकेंडरी ओसाइट में फिर डिवीजन होगा सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम रही, जितनी इतनी इसमें उतनी इसमें भी रही, और सेकेंडरी पोलर बॉडी ये बनी, ये तो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ओटिड से ही किसका निर्माण होता है, ओवम, ओवम या एग का निर्माण होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देखिए इसकी समरी, व्हाट इज ओजेनेसिस, ओजेनेसिस में फर्स्ट फेज क्या आई, मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें ओगोनियम से ओगोनिया का निर्माण हुआ, दूसरी फेज क्या आई, ग्रोथ फेज जिसमें कोशिका ने वृद्धि की, तीसरी फेज क्या आई, मैचुरेशन अवस्था। मैचुरेशन अवस्था में दो फेज में है,
फर्स्ट मैत्री डिवीजन में गुरुसूत्र की संख्या आधी हो गई, दूसरे मैत्री डिवीजन में गुरुसूत्र की संख्या समान हुई। अब जैसे हम मनुष्य में समझते हैं, मनुष्य में गुरुसूत्रों की संख्या होती है 46। 46 इसके प्राइमरी जर्मेशन में भी गुणसूत्र की संख्या 46 आती है फीमेल में, और उपगोनिया में भी गुणसूत्र की संख्या हमारी 46 आएगी। प्राइमरी ओवोसाइट में भी 46 से होगी गुणसूत्र की संख्या। यहां पर ध्यान देना है, हमारे जनन कोश क्या है जहां पर बनना शुरुआत है, सेकेंडरी ओवोसाइट, सेकेंडरी ओवोसाइट या पुलर बोर्ड में सेकेंडरी ओवोसाइट में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 23 आधी होगी, और ओटिड में भी कितनी होगी 23। एग का निर्माण होगा, ओटिट से ही एग का निर्माण होता है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 23। अर्थात हमारे जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बना तो स्पर्म में भी गुणसूत्रों की संख्या 23, और ओजेनेसिस में एग का निर्माण हुआ इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23। तो ये एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे, एग भी हैप्लॉइड है और स्पर्म में भी हैप्लॉइड है, दोनों मिलेंगे डिप्लॉइड कोशिका जायगोट का निर्माण करते हैं, उस जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। आज आपने पढ़ा ओजेनेसिस, घर जाके इसमें नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू।